हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साफ। दोस्तों, आज अनलॉक टूल की एक और सीरीज़ है। इसमें हम एंड्रॉयड का एक ऑप्शन है, बहुत लोग मैसेज करते हैं एंड्रॉयड का एक ऑप्शन है, इसमें क्या प्रोसेस होता है, चलो वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें, एक है पैकेज मैनेजर, एक है एंड्रॉयड इमेज। ठीक है, पैकेज मैनेजर देखो, हमें तो आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी एंड्रॉयड इसकी, एंड्रॉयड वाले ऑप्शन की। लेकिन क्या होता है, OFP फाइल क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको ओप्पो का ऐसा कोई मॉडल है जो ऑनलाइन होता था लेकिन MT के CPU में है, तो OFP फाइल आती है उसके अंदर। एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, कोई फाइल अभी ना मैंने अपना PC बोर्ड क्लीन करा है, जैसे कि एक सेकेंड, 1992 कट कर दी, नहीं कटी, ये रही, जैसे कि ये वाली OFP फाइल है, ये रही। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइड में, ये देखो, तो क्योंकि ये 1992 मॉडल है, RMX 1992 रियलमी का X2, तो ये ऑनलाइन होता है ऑथ टूल से, MSM का टूल से। मैं इसके ट्राई करता हूँ, यहाँ से उसकी फाइल यहाँ से कॉपी करता हूँ, और OFP फाइल को कन्वर्ट करता है ये डिपेंड ऑन CPU। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से मैं गया, इसको ओपन करा, ये OFP फाइल, इसको मैंने यहाँ लिया। फ्रेमवेयर इज नॉट सपोर्ट, क्योंकि वो क्वालकॉम है और ये सपोर्ट करता है MTK पे। एग्जांपल के लिए ओप्पो का कोई ऐसा मॉडल जैसे कि ओप्पो A12 A15 है, तो उसमें जो है ना वो स्कैटर फाइल में कन्वर्ट होके नहीं आती फाइलें, वो OFP में बनकर आती है। OFP का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के लिए देखो मैं आपको बता दूँ क्या होता है, इसे भी डिलीट करो, इसे भी डिलीट करो, इसे भी डिलीट करो। जब आप कोई फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हो, जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, चाहे वो क्वालकॉम या MTK हो, तो क्वालकॉम के अंदर तीन चार फाइलें आती हैं, तीन चार फाइलें बस, इसके अलावा नहीं आती हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि OFP फाइल बना रखी है, जबकि मैंने आपसे कहा था कि क्वालकॉम जो होता है ना, वो प्रोग्राम फाइल से फ्लैश होता है। एग्जाम्पल के लिए ये भी क्वालकॉम है, और आपका ये, एक सेकेंड, अरे कहाँ चला गया ये, जैसे कि लेंस कार्ट है। ठीक है, ये MTK है, ये MTK है, तो उन्होंने स्कैटर फाइल बना रखी है। ठीक है, ये स्कैटर फाइल हो गई। होता क्या है कि ये OEM जो OFP फाइल होती है, इसके अंदर ही, मतलब कि उसको वो कर देते हैं ये लोग, एक जगह लेकर आए थे, बहुत सारी फाइल ना हो गई, एक फाइल आ गई, तो इसको जो कन्वर्ट करती है OFP फाइल को, MTK अनपैक, MTK CPU लिखा हुआ है, तो उसको अनपैक कर देती है। जो मॉडल ऑनलाइन वाले होते हैं उनको आप कर सकते हैं, बट छोटे मॉडल, बड़े मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। इमेज कन्वर्ट करनी हो कोई सी फाइल की, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नोकिया की NBO 0 अनपैक फाइल, नोकिया की जो फाइल होती है उनको अनपैक करना हो, फिर MT पे FRP इरेज, मतलब कि कोई बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जैसे कि, ओहो अच्छा ठीक है, देखो MTP मतलब जब सेट ऑन कंडीशन में होता है तो उसको आपको FRP करनी है उसकी। तो अगर आपको उसके अंदर YouTube ओपन करना है, या मैप्स ओपन करना है, या गूगल प्ले स्टोर बाईपास करने के लिए, या एलियंस शील, या सैमसंग ब्राउज़र, तो आप यहाँ से उस पर क्लिक करके, और जो प्रोसेस होता है वो मोबाइल कनेक्ट होता है तो उसको कर सकते हैं, वो फिर ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अभी हमारा फ़ोन है और ये यहाँ पर मैंने ये ओपन करा, मैं देखता हूँ मेरा सेट ऑन हो गया, ये ऑन कंडीशन में मैंने लगा दिया, Pixel 7a आ गया, और मैं ये करता हूँ और YouTube ओपन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं, देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन आ गया अनलॉक टूल ने कि आपको एक नोटिफिकेशन दी है, तो मैं व्यू करता हूँ तो मेरा YouTube ओपन हो गया। तो बाईपास के लिए होता है, तो YouTube ओपन हुआ है गूगल क्रोम के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे आप वो यूज़ कर सकते हैं। पैकेज मैनेजर पता नहीं, अगर आपको पता हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा किस चीज़ के लिए होता है पैकेज मैनेजर। बस छोटी सी अपडेट थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। एप्पल का जो अपडेट है वो थोड़ा सा बड़ा होगा और समझाने के लिए काफ़ी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।